साहस सरोकार। ग्रहों की चाल और जानेंगे आपके हर एक समस्या का समाधान हमारे दैनिक कार्यक्रम समय चक्र में। और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं पंडित ज्योतिष रविशंकर जी, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी। देखिए पंडित जी, यूं तो आज का दिन बृहस्पतिवार है और आज के दिन का भी कुछ विशेष और पंचांग होगा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पंडित जी आज का पंचांग क्या है। जी, आप सभी को नमस्कार और आपको विशेष धन्यवाद। ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः। जी, आज का पंचांग विक्रम संवत 2080 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दिन आपका बृहस्पतिवार दिनांक 9 नवंबर 2023 नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी चंद्रमा कन्या राशि में स्थित। सूर्योदय सुबह 6:21 प्रातः, सूर्यास्त शाम को 5:18। ठीक है पंडित जी, ये तो रहा आज का पंचांग, लेकिन आज के तारे क्या कहते हैं, आज का राशिफल क्या है, अब इसका रुख करते हैं। सबसे पहले हम आपसे तीन राशियों के बारे में जानना चाहेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन राशि। जी देखिए, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा, कार्य में मन लगेगा, साथ ही दिन भर आप किए गए कार्यों का शाम तक बहुत अच्छा आपको उसका परिणाम मिलेगा, साथ ही आपको मन में बहुत ही शांति रहेगी। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन भर ईश्वर में आस्था बनी रहेगी, साथ ही आप उससे आपको लाभ भी होगा, धन आय के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही आपको कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही प्रशंसा मिलने के योग आज बन रहे हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भागदौड़ रह सकती है आज के दिन, साथ ही आपको आर्थिक लाभ होगा, धन से संबंधित रुके हुए कार्य बनेंगे, साथ ही प्रियजनों से भेंट हो सकती है, जिससे शाम तक आपका मन बहुत ही खुशहाल रहने का। ठीक है पंडित जी, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, कर्क राशि, चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए अपने कार्य, पूर्व में किए हुए कार्यों को, साथ ही कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता मिलेगी आपको, आप उत्साहित रहेंगे, धन के प्रति आप थोड़ा सावधान रहें, लेकिन आय के नए स्रोत बनेंगे और सुगमता से आपको धन प्राप्त होगा, साथ ही आपको धन पर सोच समझकर धन को खर्च करें तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। आपकी पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने योग्य, खासकर आपको रक्त से संबंधित रक्तचाप की समस्या हो सकती है, साथ ही आपको पुत्र से प्रसन्नता शुभ समाचार मिल सकता है। अपने साझेदार से सावधान रहें, अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उस पर विशेष ध्यान आपको देने योग्य। छठवीं राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का जो दिन है, थोड़ा यात्रा से सावधान रहें, यात्रा अगर कर रहे हैं तो उसमें सावधानियां बरतें, साथ ही वाहन भी बहुत ही नॉर्मल स्पीड में चलाएं, ज़्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको दिक्कत हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप सावधानी बरतें, साथ ही आपको अनावश्यक फिजूल खर्ची से भी बचें और हो सके तो अपने मन को शांत रखें। ठीक है पंडित जी, अब आगे की राशियों की बात करते हैं। अब जानना चाहेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए, अगर कोई तुला राशि जिसकी है, कोई अगर
अध्ययन कर रहा है, किसी चीज की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आज का दिन विशेष रहने वाला है। साथ ही आस्था में मन लगेगा आपका, आस्था करेंगे तो और भी तरक्की होगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी, किसी से अनावश्यक मुलाकात से बचें, अपना अपने कार्य को कुशलता से करें और जो कार्य हो उसी से मिले, अनावश्यक किसी से ना मिले, नहीं तो आज के दिन आपका वाद विवाद बढ़ सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आपकी आठवीं राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए भूमि भवन से संबंधित आपको आज सफलता मिल सकती है। साथ ही अगर आपको कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप रियल इस्टेट में करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप वाहन को सावधानी से चलाएं, ऊंची हाइट बिल्डिंगों पर बहुत सावधानी से जाएं, पहाड़ों पे जा रहे हैं तो सावधान रहें और बाकी यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी जो नवम राशि है धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन जो होगा वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। आप अगर किसी चीज को लेके परेशान हैं तो मन को शांत रखें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए तो आज आपको सफलता मिलेगी। साथ ही मन में जो भी असंतोष है उसको आज त्याग दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके करियर में तरक्की होगी। साथ ही खर्च पर नियंत्रण रखें, नहीं तो अधिक खर्च से आप अशांत रह सकते हैं, तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है पंडित जी, अब अंतिम तीन राशियों की बात करते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशियों के तारे आज क्या कुछ कहते हैं? देखिए, मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आज का दिन। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत से जूझ रहे थे तो आज का दिन उससे आपको शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही आप अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो ऐसे जातक को आज के दिन अच्छा रहने वाला है। साथ ही आप उससे प्रसन्नता भी होगी आपको और वाणी पर संयम रखें। साथ ही आप पिता से स्नेह प्राप्त आपको होगा और पिता का अगर सम्मान आप करते हैं तो आपको जरूर आज के दिन लाभ होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए कानूनी समस्या अगर पुरानी है और उससे आप जूझ रहे हैं तो उसमें निदान आपको मिल सकता है। कोई ना कोई रास्ता अगर नहीं मिल रहा था तो वो मिलेगी, उसका निपटारा भी हो सकता है। साथ ही आप आर्थिक अगर परेशान हैं तो उससे भी आपको आज कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं और आर्थिक समस्या आपकी खत्म हो सकती है। बस थोड़ा सा अपने वाणी पर और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आखिरी और लास्ट राशि मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए नौकरी या कारोबार में उन्नति के योग हैं, धन लाभ के भी प्रबल योग हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके धन आने के स्रोत बनेंगे, आपको कोई नया कार्य, नौकरी हुआ या कोई व्यापार का ऑफर मिल सकता है तो उससे आप जुड़ेंगे, आज के दिन से शुरुआत करेंगे तो विशेष लाभ होने का योग है और प्रचुर मात्रा में आप धन लाभ भी पा सकते हैं, कुछ नया खरीद सकते हैं। आप अगर कुछ घर का सामान या और कुछ खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर खरीदेंगे तो उससे लाभ होगा, हानि नहीं होगा, तो आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है और अपने जीवन को आप ऐसे ही आप सभी राशि वालों के जातक आगे बढ़ते रहे। ठीक है, देखिए पंडित जी, लगातार हम 12 राशियों का जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं अगर आज के तारों में उसका समाधान क्या है ये भी आपने बताया, लेकिन अगर हम बात करें तो आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा और सबसे ज्यादा परेशानी किन राशि वाले लोगों के सामने आज के दिन आ सकती है? देखिए, आज वृषभ राशि, आपकी कर्क राशि, साथ ही तुला राशि और धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान है तो वो संशय अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़िए। आज के दिन से आपका अच्छा योग चल रहा है तो आपका दिन के साथ ही आने वाला समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
ठीक है। देखिए पंडित जी, ये तो रहा तमाम राशियों का जिक्र और साथ ही हर एक समस्या का समाधान भी पंडित रविशंकर जी आपने बताने का प्रयास किया और बताया भी है, लेकिन अब चलिए सवालों जवाबों का जो सेशन है उस दौर की शुरुआत करते हैं। देखिए अमूमन बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन को लेकर के तमाम तरीके की अवधारणाएं होती हमने बूढ़े बुजुर्गों से सुनी है कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अगर मांसाहारी कोई खाता है तो उसे वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई खाता है तो उसे आज के दिन नहीं खाना चाहिए, बालों को नहीं धुलना चाहिए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसके मन में कई संशय है कि आखिर ये सारी चीजें कही क्यों गई हैं, मना क्यों किया जाता है, इसके पीछे की वजह? देखिए बृहस्पतिवार को जो भगवान विष्णु का होता है वो उस दिन आराधना का दिन होता है। अगर आप बाल धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, यहाँ तक ये सब चीजों से बचना चाहिए। नहीं, आपका बृहस्पति अरिष्ट होते हैं और बृहस्पति ग्रह अगर आपके कुंडली में अरिष्ट हुए या अच्छी आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपको जीवन में सुख सुविधाओं के साथ साथ बहुत सी सारी चीजों का आपको जो भोग है वो नहीं मिल पाएगा और आप तरक्की की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। साथ ही इस दिन विशेष महिलाएं जो होती हैं वो बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण का कथा भी कहती हैं, और जो बहनें हैं जिनका विवाह में विलंब हो रहा है वो लोग भी व्रत रखती हैं तो उनको इससे विशेष लाभ होता है, एक आस्था का प्रतीक होता है। बृहस्पतिवार भगवान बृहस्पति और जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन होता है तो इस दिन विशेष आराधना करना चाहिए, तो ऐसे लोगों से विशेष लाभ होने का योग है। ठीक है, आज बृहस्पतिवार का दिन आपने जिक्र किया कि तमाम तरीके की जो अवधारणाएं हैं इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन देखिए एक सवाल मेल के जरिए हमारे पास आया है कि चूंकि अब ये दीपावली का महीना शुरुआत हो चुका है और ये काफी धार्मिक महीना माना जाता है, करवा चौथ के बाद दीपावली का पर्व, और देखिए हम हर दिन अलग अलग राशिफल बताते हैं लेकिन जो महीने की शुरुआत में महीने का राशिफल भी बताया जाता है, तो इन दोनों ही राशिफल में अंतर किस तरीके से होता है? देखिए जो आप बता रही हैं कि दिवाली का महीना, जैसे करवा चौथ, करवा चौथ हो गया तो उसी समय समझिए कि इस महीने त्योहारों का जो शुरुआत हो चुका है। अभी कोई ना कोई दिन आपको, जैसे पहले मैं भी बता चुका हूँ, इस माह जो है नवंबर माह में कई सिद्धकारी महायोग का निर्माण भी हो रहा है जो कई राशियों पर विशेष प्रभाव होने वाला है, तो आपके जीवन में कई अच्छे बदलाव आने वाले हैं। साथ ही अगर आप बृहस्पति के साथ, देखिए दीपावली को शास्त्र में कहा गया है कि भगवान रामचंद्र जी उस दिन अयोध्या में आए थे, लेकिन साथ में भगवान माता लक्ष्मी की विशेष पूजा किया जाता है। आप धनतेरस को कुबेर के साथ साथ, आपका अगर व्यापार चल रहा है तो उस दिन आप लोग अपने प्रतिष्ठा की पूजा करते हैं जिससे कि आपके व्यापार में तरक्की हो, तो ये जो समय चल रहा है वो माता लक्ष्मी का ही चल रहा है, तो आप इस पे विशेष आराधना से आपको विशेष लाभ हो सकता है। साथ ही ग्रह दशा भी कई सिद्धकारी योग उनका जो अभी गोचर हुआ है, अभी शुक्र का भी गोचर हुआ है तो विशेष लाभ देने वाला है। ऐसे ये नवम्बर का महीना आप सभी के जीवन में बहुत ही खास रहने वाला है। ठीक है, देखिए पंडित जी आज का विशेष क्या है ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आज का विशेष है, अगर आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह अशुभ हैं या नीच के बैठे हैं, नीच की अवस्था में बैठे हैं, तो आप बृहस्पतिवार के दिन जरूर उपाय करें। बृहस्पतिवार के दिन केला ग्रहण ना करें, केला ना खाएं, केले के पौधे के जड़ पर आप लोटे में जल के साथ गुड़, चने की दाल, किशमिश और पीला चंदन डालकर जरूर जल चढ़ाएं। ओम बृहस्पते नमः का आप जाप करें, अगर हो सके तो एक माला पूरा कर लें 108 बार, तो आपके लिए विशेष लाभ होने वाला है। साथ ही अगर आपके जीवन में आपको दिख रहा है कोई तरक्की नहीं हो रही है तो आप बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण की कथा कहें, इससे आपको विशेष लाभ होगा और आपको तरक्की के नए मार्ग मिलेंगे। आप कोई भी बाजार से आपको सत्यनारायण की पुस्तक मिल जाएगी जो साधारण हिंदी में होगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 20 से 25 मिनट लगेगा शुद्ध, अगर आप उसका करेंगे अच्छे से विधि विधान से करें आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही विशेष में मैं बताऊँगा, जिन लड़कों का मतलब जिन पुरुष का या जिन बहनों का महिलाओं की शादी में रुकावट आ रही है, अगर
आपके शादी में रुकावट आ रही है, बहुत जतन आप कर लिए हैं और नहीं आपके शादी हो पा रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन स्नान जब करने जाएं तो एक चुटकी भर हल्दी डाल दें उस जल में और उसी से स्नान करें। जल्द ही आपके शादी के योग बनेंगे और आपका जो शादी में रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होगी और आपके जल्द शादी होंगे और आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समय चक्र में कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, जहां हम आपके भविष्यवाणी जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि हर एक समस्या का समाधान आखिर क्या है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच